ग्राम देवपुरा में पहुंची जांच दल, जांच में पंचायत में रही खूब गहमा गहमी, लेना पड़ा पुलिस का सहारा। गंडई पंडरिया के ग्राम पंचायत देवपुरा में सूचना के अधिकार के तहत जानकारी लेने पर और ग्रामीणों द्वारा अपने स्तर पर पड़ताल के बाद सामने आए लाखों रुपए की विभिन्न गड़बड़ी के मामले पर ग्रामीण जनों ने मिलकर कुछ माह पहले जनपद सीईओ, एसडीएम, कलेक्टर और आयुक्त को जांच के लिए आवेदन किए थे। आवेदन के आधार पर आयुक्त से जांच का आदेश आया, जिसके बाद जनपद और ग्रामीण यांत्रिकी की 5 सदस्यीय टीम का गठन कर जांच के लिए भेजा गया। जांच के दौरान माहौल लगातार गर्माता गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस का सहारा लिया। पुलिस टीम पहुंची और गहमा गहमी को शांत करवाया गया, जिसके बाद टीम ने दर्जन भर से अधिक शिकायतकर्ताओं का बयान लिया, जिसमें अधिकतर शिकायतकर्ताओं ने पंचायत के खिलाफ अपना बयान दिया है। जांच टीम के अधिकारियों का कहना है कि अभी शिकायतकर्ताओं का बयान लिया गया है, अधिकारियों के मार्गदर्शन में आगे की कार्यवाही की जानी है। बता दें कि आज जांच टीम में जनपद पंचायत से बन्नेलाल साइटोंडे, वरिष्ठ आंतरिक लेखापाल और कर आरोपण अधिकारी अशोक कुमार कोसरे, सहायक आंतरिक लेखापाल और कर आरोपण अधिकारी मोहित कुमार धू, सहायक आंतरिक लेखापाल और कर आरोपण अधिकारी उपस्थित रहे। वही 2 जांचकर्ता किन्हीं अन्य जरूरी कामों की वजह से नहीं आ पाए। तीनों ही जांचकर्ताओं ने सभी शिकायतकर्ताओं का बयान लिए। जांच के दौरान अधिकतर पंचों ने पंचायत का खुलकर विरोध किया। पूरे मामले पर शिकायतकर्ता चुम्मन वैष्णव ने बताया कि आज हुए जांच में पंच, ग्रामीण और शिकायतकर्ताओं का पंचनामा बयान लिया गया है। अभी सरपंच सचिव का बयान लेना बाकी है, जिन्हें अधिकारियों द्वारा बताया अनुसार अगले जांच में लिया जाएगा। अभी संभवतः 2 जांच और होगी, जिसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सुमन लाल वैष्णव एवं ग्रामवासी और कुछ पंच लोगों के द्वारा शिकायत प्राप्त हुआ था जनपद पंचायत श्री खदान को। जनपद पंचायत श्री खदान द्वारा सीओ सर द्वारा ये जांच के लिए टीम गठित वगैरह की गई है, जिसमें 5 सदस्यीय टीम वगैरह गठित वगैरह किया गया है, जिसमें वरिष्ठ आंतरिक लेखा परिषद का आरोपण अधिकारी श्री बन्नेलाल साटोंडे जी के नेतृत्व में अशोक कुमार कोसरे, सहायक आंतरिक लेखा परिषद का आरोपण अधिकारी, और जो मैं मोहित राम ध्रुव, सहायक आंतरिक लेखा परिषद का आरोपण अधिकारी, और ये सतीश कचलाम जो सहायक विकास विस्तार अधिकारी है, और टेक्निकल पर्सन विश्वजीत ताम्रकार सब इंजीनियर है। ये 5 सदस्यीय टीम का गठित किया गया है, जिसमें शिकायतकर्ता एवं सरपंच सचिव लोगों को सूचना दे करके आज ग्राम पंचायत दीपुरा गंडई में जांच के लिए उपस्थित हुए हैं। तो आज कितने लोगों को जांच हुए, मतलब बयान लिया गया है? आज शिकायतकर्ता लोग बहुत सारे थे, तो उनका जो शिकायतकर्ताओं का जो उपस्थित थे इन लोगों का बयान लिया गया है। उसके बाद अपना द्वितीय भाग होगा कि वो जो शेष बचे सरपंच सचिव वगैरह का बयान होगा, कि द्वितीय चरण में अपना वो अभिलेख का अवलोकन होकर प्रक्रिया चलेगा, मतलब पूरा भी जांच के लिए आप लोग प्रक्रिया दी है। अभी ऐसा कुछ बता सकते सर कि कब तक पूरा जांच होगी? लगभग 1 सप्ताह के भीतर पूरा मतलब हो जाएगी, पूरा प्रक्रिया सौंप देंगे। गंडई से रवि रजक, सीजी विजन टीवी।